वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं पिछले एक साल से फिर प्रयासरत था, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी ऑल इंडिया रैंक 93 थी और IAS एक रैंक से मिस हो गया था। हालांकि मैं बहुत खुश था कि मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज मिली हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद IAS के लिए मैं एक और एग्ज़ाम, मुझे एक और अटैम्प्ट देना चाहिए। तो वो अटैम्प्ट मैंने दिया और काफ़ी खुश हूँ कि आज वो मेहनत रंग लाई और अब मैं आगे जो चुनौतियाँ आएंगी उसका सामना करने के लिए भी तैयार हूँ। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। सर्विस करके आप बच्चों को पढ़ाना लिखाना है बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो भी प्राइवेट सेक्टर में। मैं पेट्रोल पंप में एम्प्लॉई हूँ, 28 साल सर्विस किया हूँ, तो उस चीज़ को करते हुए और बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये सारी चीज़ों को देखना बहुत मतलब वो है। लेकिन फिर भी अपना कोशिश यही था कि भगवान की कृपा रहेगा तो ज़रूर सफल होंगे। ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल मिलता है स्टूडेंट्स को, न्यूज़ के टर्म्स में हो या फिर आपका स्टैटिक सिलेबस, तो बहुत सारा मटेरियल वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारे मिलते हैं जिसके थ्रू कैंडिडेट्स प्रिपेयर करते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन आज बहुत बड़ा मीडियम बन गया है प्रिपरेशन का, नॉट जस्ट सिर्फ अर्बन एरियाज में रहने वाले कैंडिडेट्स के लिए नहीं, बल्कि इसकी वजह से रूरल एरियाज के कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गई है। एंड जैसे जैसे कोविड आया है, आप जानते ही होंगे कोचिंग्स ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं, स्टूडेंट्स आ नहीं रहे हैं दिल्ली, तो उसकी वजह से कोचिंग्स अपना क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट कर रही हैं। तो ये बहुत ही एक तरीके से पॉजिटिव चेंज भी है कि बच्चे अपने घर के माहौल में रह के तैयारी कर पाएंगे, जहाँ पे उनके पास पूरा सपोर्ट है, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और पूरा इकोसिस्टम घर का थोड़ी शांति के साथ वो पढ़ाई कर सकते हैं, ये भी अच्छी तरीके से बात है। और फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड से जो कैंडिडेट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते दिल्ली में रहना, उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इससे मिलेगी। This was my second attempt at the civil service exam. I couldn't clear the prelims exam in my first attempt. What I felt from what I had done in the first stage was that I had attempted too few questions in the prelims exam. I had attempted only around 70 questions, and no matter how hard you try to be accurate enough, eventually you'll make some mistakes or the other. So what I felt that in the next attempt I should attempt more and more questions. So in the next attempt I attempted around 85 to 90 questions, and thankfully I was able to clear the prelims and then the mains and the interview stages as well. My parents definitely had a huge role. I realize I have had a privileged background, and I had access to good education, good schools, good colleges, and that is something that I'm very thankful for. And apart from that, emotional and moral support, my parents were always supportive, my mother especially. Whenever I fell down that this is something that I won't be able to clear or I won't be able to make it, and she was the one who encouraged me that this is something that you can do, and she's played a huge role.